पीटीआई और काफ लीग का पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने का फैसला। दोनों जमातों के अहम रहनुमाओं की मुलाकात, अगली लाइन ऑफ एक्शन पर गौर। वजीर आला पंजाब का नाम इमरान खान के पास है। शरीफ बरादरान ने इदारे कमजोर, 56 कंपनीज बनाकर मनपसंद अफसरान भर्ती किए। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ के नापायदार मंसूबों ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। परवेज इलाही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब में तरीके इंसाफ नंबर गेम की दौड़ में सबसे आगे। पीटीआई और इतिहादियों का स्कोर 189 पर पहुंच गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 171 नंबर। पंजाब के 3 हलकों में इलेक्शन मुलतवी, 3 के नतायज रोके गए। पंजाब असेंबली का ऐवान, सियासी क्यादत की मखसूस नशस्तों के लिए लाहौर की खवातीन पर नवाजिशात। 66 मखसूस नशस्तों में से 39 का ताल्लुक लाहौर से है। तहरीक इंसाफ की 33 में से 17 खवातीन MPAs लाहौर से मुंतखब हुई, जबकि नून लीग के टिकट पर 30 में से 21 मखसूस नशस्तों पर खवातीन अराकीन का ताल्लुक भी लाहौर से है। पंजाब असेंबली के 17वें नौ मुंतखब अराकीन के इजलास का शेड्यूल तैयार। 15 अगस्त को स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल नौ मुंतखब अराकीन असेंबली से हल्फ लेंगे। 16 अगस्त को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, जबकि 19 अगस्त को कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। PIA के बदतरीन खसारे का मामला, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PIA बेल आउट पैकेज का ऑडिट जारी। PIA को 2008 से 2017 के दरमियान तकरीबन 209 अरब का बेल आउट पैकेज दिया गया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बेल आउट पैकेज 199 अरब जाहिर किया। गुमराह कुन मालूमात फराहम करने पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नैयर हयात को इजहार वजू का नोटिस जारी कर दिया गया। मारूफ ढोलक तबला नवाज बाबर अली खन्ना पर नामालूम अफराद का तशद्दुद, 5 मोटरसाइकिल सवार, 10 अफराद ने घर के बाहर बाबर खन्ना को तशद्दुद का निशाना बनाया। बाबर खन्ना को नामालूम अफराद ने अगवा के बाद लियाकत चौक पर छोड़ दिया। बाबर अली खन्ना का कहना था कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लीगी MNA के गार्ड्स का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद और अगवा का मामला। अवामी रिक्शा यूनियन का ठोकर चौक पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस ने एहतजाज करने वाले रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मजीद गौरी। शहर में आज मौसम जुज़्वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। और रॉयल पाम में ईद-उल-अज़हा की मुनासबत से सजाया गया समर फेस्टिवल। एक ही छत तले मेकअप, ज्वेलरी और दीदा जेब मलबूसात खवातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। फैशन के साथ म्यूजिक के तड़के ने फेस्टिवल की रौनक दुबाला कर दी।